सो so फ्रेंड्स मैं बता दूं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2020 जो जारी हुए हैं तो उसके परिणाम आपके साथ साथ कुछ ऐसी बातों को जानना आवश्यक है जो हमारे पी के साथ साथ हमारे लिए कंपलसरी हुए सो गैस बता दें कि बिहार पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2020 में पर्सनल इंटरव्यू होंगे तो पर्सनल इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर वीडियो में आप लोग को प्रोवाइड करूँगा और साथ साथ बताना चाहता हूँ कि सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा परिणाम जो जारी हुए तो उस कंडीशन में आपका पी होगा तो पी कब होंगे इसकी बात हम लोग करेंगे और बता दूँ फ्रेंड्स जुलाई में होंगे तो जुलाई में कब होंगे और इसका तिथि कब घोषित किया जाएंगे इसकी जानकारी आपको वीडियो में दी जाएगी और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बिहार पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट टून ट्वेंटी को लेकर जो दिसंबर में दस हज़ार वैकेंसी आने वाली है तो उस कंडीशन में ऑनलाइन एग्जाम चलने के माध्यम से टेस्ट सीरीज चलाया जाएगा ठीक है और टेस्ट सीरीज जो है आपके लिए हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो ऑनलाइन एग्जाम चलने के माध्यम से जुड़े हुए अभी इसके पहले भी मैंने बहुत सारे टेस्ट सीरीज चलाया हुआ था जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ दिए हुए थे तो उस कंडीशन में उनका रिजल्ट भी हुआ और रिजल्ट घोषित भी कर दिया गया है ठीक है उन लोगों को कमेंट मैंने आपको दिखाया हुआ था सो फ्रेंड्स आप दिसंबर दो में जो दस वैकेंसी आएगी बिहार पुलिस का तो उस कंडीशन में आपको जो ऑनलाइन एग्जाम के माध्यम से टेस्ट टेस्ट सीरीज सीरीज प्रोवाइड किए जाएंगे उस टेस्ट में आप भाग लेंगे और साथ ही साथ मैं उम्मीद करता हूँ सत्तर प्लस लाकर दिखाएंगे तो दो में जो परिणाम जारी होगा बिहार पुलिस का उसमें आपका रिजल्ट फाइनल होंगे सो फ्रेंड्स सो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो ऑनलाइन एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि बिहार पुलिस से पल पल की खबर आपको मैं प्रोवाइड करता रहता हूं और साथ साथ फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो बिहार पुलिस रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस कंडीशन में आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा करेगा क्योंकि जो भी आपको मैं खबर प्रोवाइड करूँगा तो उस कंडीशन में आपका क्या हो सेटिस्फेक्शन हो और साथ ही साथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ सो फ्रेंड्स हमारे लिए आपके लिए यही सबसे बड़ी न्यूज़ है कि सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा जो परिणाम जारी हुए हैं तो उसके कंडीशन में कुछ नोट्स आए हैं उस नोट्स को हम देख लेते हैं कौन सा नोट्स है आप देख सकते हैं कि बिहार पुलिस में सिपाही के ग्यारह हज़ार आठ सौ अस्सी पदों पर बहाली के लिखित हुई लिखित परीक्षा का परिणाम सोमवार को घोषित कर दिया गया केंद्रीय चयन परिषद ने रिजल्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है लिखित परीक्षा के आधार पर सफल घोषित किए गए अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होंगे जुलाई के तीसरे सप्ताह में यह प्रस्तावित है जी हाँ दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जुलाई के तीसरे सप्ताह में आपका पीई का एग्जाम होगा अब बात करते हैं हालांकि तारीख की घोषणा इस माह के अंत में की जाएगी सिपाही के पद पर बहाली के लिए पिछले वर्ष विज्ञापन जारी किया गया था जहाँ दोस्तों इस वर्ष दो चरणों में बारह जनवरी और आठ मार्च को अपना लिखित परीक्षा को आयोजित किया गया था और साथ ही साथ फिर मैं आपको बता दूँ कि परिषद के मुताबिक अभ्यर्थियों की कुल संख्या थी कितनी थी तो बारह लाख बारह लाख चौंसठ हज़ार छः सौ था लिखित परीक्षा के आधार पर ग्यारह हज़ार आठ सौ अस्सी पदों को पाँच गुने अभ्यर्थी पीटी के लिए बुलाए जाएंगे और सभी कोटी में परिपूर्ण रूप से स्टूडेंट शामिल हुए थे और साथ ही बता दें कि जून के, के आखिर में शारीरिक परीक्षा की तिथि घोषित की जाएगी दैट मींस अनेक का मतलब कि जून का जो लास्ट वीक होगा दैट मीन्स फोर्थ वीक जो होगा उस कंडीशन में आपको डेट घोषित किए जाएंगे कि आपका पी जो होगा जुलाई में कब होंगे तो जुलाई के तीसरे सप्ताह में शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रस्तावित है इसकी तारीख जून के आखिरी सप्ताह में घोषित की जाएगी और साथ साथ फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट है जिन्हें आपको क्या करना होगा नोट करना होगा सो so, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पॉइंट क्या है करे कि इसकी तारीख जून में घोषित किए जाएंगे और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पर